बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई हांडी, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। उसके लिए मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज इसमें डालेंगे और सोते कर लेंगे, और 4 अदरक की सब्ज़ मिर्ची इसको हल्की सी फ्राई करेंगे कि हल्का सा इनका कच्चापन दूर हो जाए। जी व्यूवर्स, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, हमारी हौसला अफज़ाई होती है। हम आपके लिए जितना आप हमें प्यार देंगे, हौसला अफज़ाई करेंगे, हम मज़ीद नई से नई वीडियोज़ आपके खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे। मिलते हैं अगले प्रोसेस में। जी व्यूवर्स, हमारे प्याज और सब्ज मिर्च जो है वो तकरीबन सोते हो गई, इनका कच्चापन दूर हो गया। अभी हम इसको उतार के हल्का सा ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे जग में डालकर, तो फिर अगले प्रोसेस में हम आते हैं। जी व्यूवर्स, मैंने जो प्याज और सब्ज मिर्च सोते किया था वो मैंने ग्राइंड कर लिया है, और मैंने हांडी में 1 कप ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। 1 इसमें बड़ी इलायची डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, हंडिया में ऑयल गर्म हो रहा है। इस स्टेज पे हम ये 1/2 किलो मैंने चिकन लेके धो के साफ़ करके स्ट्रेन करके रख दिया था, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। 1-1 बोटी उठा के डाला कीजिए ताकि जो इसका थोड़ा बहुत पानी या ब्लड का कोई कतरा थोड़ा सा रह जाता है तो वो जो है ना प्लेट में ही रहे, तो अंदाज़ा हो जाता है। व्यूअर्स, हम आप लोगों के लिए सादा सादा से आसान रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज लेके आते हैं ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, कोई भी चीज़ जो है आसानी से मैनेज हो जाए। इसको हिला देंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसका वेट करेंगे, फिर हम अगला प्रोसेस करते हैं। जी व्यूवर्स, ये इतना टुकड़ा दालचीनी का हम इसमें ऐड कर देंगे। दालचीनी, सिनेमन, इसकी खुशबू ऑयल के साथ और चिकन फ्राई होने के साथ बहुत अच्छी आती है। इसका अरोमा जो है ना वो साथ शामिल हो जाता है। और जो बड़ी इलायची है वो आप इसमें 2 ऐड कर सकते हैं। मेरा बेटा जो है ना वो ये बड़ी इलायची और दालचीनी को पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने 1-1 डाल लिया है। आप लोग इसमें 2-2 टुकड़े दालचीनी के, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 टुकड़े जो है ना बड़ी इलायची के इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कलर चेंज होना शुरू हो गए। हम थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं, थोड़ी लो थी, ताकि ये आप देख सकते हैं मीडियम टू लो टू मीडियम आंच हम कर देते हैं। मीडियम आंच पे अब ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से, इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, फिर अगला प्रोसेस करते हैं। जी व्यूवर्स, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ये देख सकते हैं वाइट वाइट हो गया। इस स्टेज पे हम पिसा हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, ये देख सकते हैं, ये हम शामिल करेंगे इसमें। ये 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और कम भी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगी। इसको मिक्स करेंगे और उसको फ्राई करेंगे मज़ीद, 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। जी व्यूवर्स, हम 1/2 टीस्पून चाय की चम्मच के बराबर नमक इसमें शामिल कर देंगे। हसब ज़ायका, फिर हम चेक कर लेंगे, कम अगर हुआ तो हम और डाल देंगे। ये देखिए आप, लहसुन भुन रहा है बहुत अच्छे से, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। जब हंडिया में खुशबू आना शुरू हो जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो समझें कि चीज़ डन हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने ग्राइंड किए हुए थे, थोड़ा सा मज़ीद इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने देंगे ऑयल में जो है प्याज़ों का और लहसुन अदरक का। तो
जी ये जो ग्राइंड किए हुए हैं, जिस तरह मैंने प्याज और चार सब्ज मिर्च मैंने सोते करके ग्राइंड करने थे। बिस्मिल्लाह, ये मैं थोड़ा सा बचा के देखती हूँ ग्रेवी का क्या। मेरे बेटे को ग्रेवी ज़्यादा पसंद है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्याज और ग्राइंड किया हुआ मैंने डाल दिया था, तो ये अब पकना शुरू हो गया। जैसे ही ऑयल प्याज का पानी ड्राई हो जाएगा तो किनारों पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है हंडिया के, ये आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल पक चुके हैं, मसाला पक चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें दही और क्रीम फेंट के डालेंगे। ये वाले चम्मच मैंने बड़े चम्मच तीन दही लिया है, उसको फेंट लेंगे अच्छे से और ये क्रीम, कोई भी आप क्रीम आपके पास हो या फिर ना हो तो बलाई भी आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह, ये दो टेबल स्पून भर के हम डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये हंडिया में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, और आँच हम स्लो कर देंगे। नाज़रीन, गैस बंद हो गया था, हमें मिक्स कर दिए हैं, बस इसको दो से तीन मिनट मज़ीद इसको दही जो है इसमें मिक्स हो जाए, पक जाए क्रीम, फिर क्रीम थोड़ी सी क्रीम का भी ऑयल बन जाएगा, वो भी ऊपर आ जाएगा, फिर अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। माशाल्लाह से देखिएगा व्यूअर्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी बन रही है, आप ज़रूर बनाइएगा। और चाहे तो इसी स्टेज पे सब्ज मिर्च हाफ कट करके दरमियान में कट लगा के भी आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं एक तो थोड़ा सा ये दही पक जाए फिर शामिल। ये व्यूअर्स, दो सब्ज मिर्चें मैंने इस तरह कट करके इसमें शामिल कर ली, इनका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है। ये क्रीम और दही हमने डाला था और इसको बराबर चलाते जाएंगे ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। ये बन रहा है जी व्यूअर्स, ये पकना शुरू हो गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। तो हम इस स्टेज पे आधी चाय के चम्मच पिसी कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, साथ ही हम पिसा हुआ आधी चाय के चम्मच इतना गरम मसाला शामिल करेंगे। इसके अलावा हमने ना लाल मिर्च ना हल्दी कोई नहीं शामिल की, क्योंकि चूँकि हम वाइट बना रहे हैं तो इसलिए हमने सब्ज़ मिर्च दो अब शामिल किए हैं और चार हम प्याज सोते करते वक्त शामिल कर दें। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना वाइट वाइट क्रीमी क्रीमी यमी यमी सा इसका टेक्सचर आ गया, ये देख सकते हैं आप। और मैं अब आपको दिखाती हूँ उसके डर मारे में हमारा चिकन में देखें टेंडर हो चुका है, गर्म है, ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। अब इसकी आंच धीमी करके एक से डेढ़ मिनट इसको दम दे देंगे, फिर हम डिश आउट करके आप दिखाते हैं। जी ये दम वाली आंच आ गई है, बिस्मिल्लाह। जी व्यूअर्स, हमने ढक्कन हटाया है, देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है हंडी में, बिल्कुल हमारी हांडी रेडी है। मैं नीचे से इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जी व्यूअर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा यमी सा क्रीमी सा टेक्सचर आया है। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैंने बंद कर दी है, फिर भी इसमें पक रहा है क्योंकि हंडिया मट्टी की है और इसके ऊपर थोड़ा सा
दो तीन पत्ते धनिए के और पुदीने के गार्निश करते हैं। जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत यम्मी सा बना है, ज़रूर बनाइएगा। व्यूवर्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।